काही दिवसापूर्वी आमच्या समाजातील जे शिक्षणा संदर्भात जे वंचित गरीब गोरगरीब मुलांना संगणक विचारणा केली होती, ते संगणक माननीय प्रणितीताईंनी क्षणाचाही विलंब न करता आमच्या मागणीला पूर्तता करून दिल्या आणि दिलेले जे 5 संगणक आहेत ते जांबुवन मोचे समाज सेवा भवन लष्कर येथे उपलब्ध आहेत. शिक्षणासंदर्भात असो, आरोग्यासंदर्भात असो किंवा रोजगारासंदर्भात असो, गरिबांच्या कुठल्याही समस्या असो, रात्रंदिवस ते कार्यरत असतात. आमच्या कुठल्याही मागणीला त्यांनी आजपर्यंत तर नाहीच म्हणलेलं नाही. आणि मेन मुद्दा हा विषय आहे की एक लोकप्रतिनिधी जेव्हा शिक्षण आणि आरोग्य रोजगार ह्या गोष्टींना जेव्हा प्राधान्य देतो त्या तेव्हाच तेथील नागरिक सुजलाम सुफलाम असतो असं माझं मत आहे. आणि ह्या सर्व गुण मी माननीय प्रणितीताई शिंदे यांच्यामध्ये पाहिले. आम्हाला माननीय प्रणितीताई यांच्यापासून लाभ झाला, त्यापासून मी माननीय प्रणितीताई शिंदे यांचा समस्त संपूर्ण समाज मोची समाज यांच्या वतीने व प्रकाश आसादे मी माझ्या वतीने समस्त बांधवांकडून शहर मध्यातील जेवढे पण वंचित गोरगरीब आहेत त्यांच्या माध्यमातून मार्फतून मी आभार मानतो. आणि तुमचं छत्र छाया आमच्या पाठीशी असेच राहो एवढीच अपेक्षा मला. लेकिन और भी अच्छा होता अगर 370 हटाने के मामले में, और अच्छा होता अगर आपने स्टेक होल्डर से बात की होती, हमारे बड़े बड़े नेताओं से बात की होती, एक्सपर्ट से बात की होती, डॉक्टर मनमोहन सिंह से बात की होती, अच्छे अच्छे विद्वानों से बात की होती. और आपने कर दिया मूड ऑफ द नेशन. कश्मीर में जो हो रहा है आपको ज्यादा पता है. मैं कोई ऐसी बात करके अभी किसी किस्म की कॉन्ट्रोवर्सी नहीं पैदा करना चाहता हूं, लेकिन सवाल कुछ और है. सवाल ये है कि बेरोजगारों का क्या होगा, नौकरी कैसे मिलेगी. नौकरी अगर नहीं मिलेगी हमारे लोगों को, हमारे युवा पीढ़ी को, यंगर जनरेशन को, तो जाहिर है समाज में फिर कुछ बौखलाहट होगी, कुछ तकलीफें बढ़ेंगी, ध्यान इधर उधर भटकेगा, फिर आप क्राइम कंट्रोल की बात करोगे. जरा सोचो आप कि इस वक्त कितना क्या जरूरत है. महंगाई तो आसमान को छू ही रही है. मैं हमारे घर की महिलाएं बैठी हैं, मैं प्याज और टमाटर की बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या देश में इस वक्त सब कुछ सही हो रहा है. और नहीं अगर हो रहा है तो आवाज कैसे उठाए और कौन उठाएगा. और हम जब उठाते हैं तो उसके लिए सही प्लेटफॉर्म क्या है. यही प्लेटफॉर्म है चुनाव का. हालांकि जानता हूं कई लोग कहते हैं भारत के इतिहास में नोटबंदी ये अहंकार का, गरूर का एक नमूना था जिसने हम सबों को ध्वस्त कर दिया, पस्त कर दिया. और अभी उससे उभर भी नहीं पाए थे कि सीधे यहां पे कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी कर दिया. कितनी बार अमेंडमेंट हुआ जीएसटी में, अभी भी हो रहा है. लोग बर्बाद होते गए. पहले 3 बार हिसाब देना पड़ रहा था, 4 बार, 1 बार, 2 बार. जीएसटी के मामले में अगर सबसे ज्यादा किसी का भला हुआ है तो हुआ है सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भला हुआ और किसी का भला नहीं हुआ. और अगर उसपे हमने आवाज उठाई तो लोगों ने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, आप इतने सीनियर आदमी हैं पार्टी में, आप पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं. मैंने कहा मैं पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं देश के हित में बोल रहा हूं, अपनी आवाम के लिए बोल रहा हूं. और मैं जानता हूं और आप सब मानते हैं कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है और देश से बड़ा कुछ नहीं होता. उन्होंने कहा कि हमें टिकट नहीं दिया जाएगा. इतनी बार परेशानी हुई उनको कि कहा कि हमें टिकट नहीं देंगे. हमने कहा आप टिकट दोगे या नहीं दोगे पहले ये तो पूछो, मैं टिकट लूंगा या नहीं लूंगा. अरे ये सब बातें रहने दो,
आदमी आवाम की वजह से होता है, आपकी वजह से होता है, देश आपकी वजह से चलता है। और देश के लोग चाहें तो जवाब मुंह तोड़ दे सकते हैं, हमने भी किया है, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर तो ज्यादा ताकत है, हौसला है, आप ठान ले तो नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं।